हेलो फ्रेंड्स, फ्यूजन किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे आप अभी सब्सक्राइब करें। हमारी रेसिपीज को सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन को जरूर क्लिक करें। और फ्रेंड्स, आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इनको जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। और आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी बना रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब आप ये देखिए, आज हमने आपके लिए बनाया है लौकी का कस्टर्ड। इतना टेस्टी है कस्टर्ड बनता है और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। गर्मियों में आप इसको बनाएं, ठंडा ठंडा आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे मिल्क ली है, 1 लीटर मिल्क से हम बना रहे हैं कस्टर्ड। और फुल क्रीम मिल्क हमने ली है, फ्लेम हम ऑन कर देते हैं, अभी लो रखेंगे फ्लेम। और इसमें सबसे पहले एक बॉयल आने का वेट करते हैं। इस टाइम आप देखिए दूध में अच्छा बॉयल आ गया है। हम इसमें अब लौकी ऐड करेंगे, ये हमने कद्दूकस किया हुआ है। लौकी ग्रेट करने के टाइम आपने ध्यान देना है, जो इसका सीड्स वाला पार्ट है वो आपने नहीं डालना, वो आपने अलग कर देना है, वो हम यूज़ नहीं करेंगे। जब भी आपने बनाना हो तभी आप लौकी ग्रेट करें, पहले से आप रखें ना, नहीं तो काला पड़ जाता है लौकी। मिक्स कर देंगे अच्छे से और फ्लेम अभी हम मीडियम कर देते हैं। इस तरीके से आपने कस्टर्ड पहले कभी नहीं बनाया होगा, एकदम ही डिफरेंट ये रेसिपी है और आपको बहुत ही पसंद आएगा। गर्मियों में ऐसे ठंडा ठंडा आप खाएं। अब लौकी डालने के बाद 15 मिनट हम इसको ऐसे कुक करेंगे, जिससे लौकी अच्छे से कुक हो जाएगी। 15 मिनट्स हो गए हैं हमें लौकी डाल के भी कुक करते हुए, और इस टाइम पर लौकी सॉफ्ट हो गई है। अभी हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, जितना आप मीठा पसंद करते हैं। बहुत ही टेस्टी आपको ये कस्टर्ड लगेगा। और बच्चे भी जैसे सब्जियां नहीं खाते ऐसे आप उनको बना के दें। मिक्स कर देंगे इसको अच्छे से, ये अच्छे से मिक्स हो गई है चीनी। अब हम इसमें दूध में घुला हुआ कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। दूध हमने इसी में से ही पहले निकाल लिया था, थोड़ा सा हमने लिया था। और कस्टर्ड पाउडर हम वनीला फ्लेवर का यूज़ कर रहे हैं, और जितनी क्वांटिटी कस्टर्ड पाउडर की आपने लेनी है, आप इसमें डब्बे में लिखी होती है इंस्ट्रक्शन, जो आप परचेज करेंगे मार्केट से उसमें जितना लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग ही आप यूज़ करें। ये हम डाल देते हैं, ईजिली मिल जाता है मार्केट में ये कस्टर्ड पाउडर। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है वनीला फ्लेवर की। फ्लेम हम लो कर देते हैं अभी, और इसको 5 मिनट्स के लिए ऐसे कुक करेंगे, और बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। आप नोटिस करेंगे थोड़ी देर बाद ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। फ्रूट्स का कस्टर्ड तो आप बना के खाते होंगे, लेकिन ऐसे लौकी का आप बना के खाएं, बहुत ही पसंद आएगा आपको। बहुत ईजी है बनाना, बस आपने ये ध्यान देना है बीज वाला पार्ट नहीं आना चाहिए लौकी का, ध्यान से आपने ग्रेट करना है। तो इसको हम कुक करते हैं 5 मिनट्स के लिए। और 5 मिनट्स हो गए हैं कस्टर्ड पाउडर ऐड करके भी कुक करते हुए, और आप इस टाइम इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये एकदम गाढ़ा हो गया है। बहुत ही अच्छे से ये कुक हो गया है, इससे ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना। हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं अभी, और इसमें हरी इलायची का पाउडर ऐड करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। मिक्स कर देंगे इसको अभी, ये लेकिन पूरी तरह बना नहीं है, इसमें एक स्टेप और बाकी है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमने इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आना है, तो हम इसे अभी रूम टेम्परेचर पे आने के लिए छोड़ देते हैं, फिर हम उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। लौकी का कस्टर्ड इस टाइम रूम टेम्परेचर पे आ गया है, और आप देखिए ये पहले से और ज़्यादा थिक हो गया। इसमें अब हम फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे, ये हम डाल देते हैं, इससे एकदम क्रीमी टेक्स्चर आ जाएगा और खाने में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कस्टर्ड। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। ये आपने ध्यान देना है अच्छे से, जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए उसके बाद ही आपने क्रीम ऐड करनी है। बहुत ही टेस्टी आपको ये लगेगा। अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। ये अच्छे से क्रीम भी मिक्स हो गई है। अब हम इसको रेफ्रिजरेटर में पूरा अच्छे से चिल कर लेंगे, और फिर हम इसको सर्व करेंगे।
ये आप देखिए, लौकी कस्टर्ड को हमने रेफ्रिजरेट करके एकदम चिल कर लिया और ये सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। और इसको हमने बादाम और पिस्ते से गार्निश किया है। आप भी इसको ज़रूर बनाएं और ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। और इसको एकदम ठंडा ठंडा खाएं गर्मियों में। और फ्रेंड्स, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें। हमारी रेसिपीज़ और वीडियोज़ आपको पसंद आ रही है तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।